व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अजय देवगन की अपकमिंग मूवी भोला की, जिसके टीजर ने तो बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। भोला लोकेश कंगराज की केसी का ऑफिशियल रीमेक है। असल तमिल जुबान की फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जबकि हिंदी रीमेक 30 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली है। ये टीजर किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं लगता, जिसकी कहानी वन मैन आर्मी की कहानी पर मबनी है, जो एक ही रात में मुख्तलिफ शक्लों में दुश्मनों के एक हजूम से लड़ता है, इंसान और दूसरी सूरत में। टीजर में एक्शन, ड्रामा और इंतकाम है। टीजर में शानदार स्टार कास्ट को भी मुनफरिद किरदारों में मुतारिफ कराया गया है। तब वो अपने एक्शन अंसर में एक पुलिस एहलकार के तौर पर, दीपक डोबरियाल एक अहम विलन के तौर पर, संजय मिश्रा ग्रे पुलिस वाले के तौर पर, और तो और पस मंजर में सदाबहार गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, जो कि असल में लेजेंडरी गुलुकारा लता मंगेशकर ने गाया था, फिल्म में सुना जा सकता है। तब वो जिसने अपने करियर का आगाज 1994 में देवगन के साथ विजय पथ में एक कमर्शियल फिल्म से किया था, तब से अब तक वो अजय देवगन के साथ ही मुंसलिक है। उन्होंने इतराफ किया है कि वो अजय देवगन की किसी भी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए आंखें बंद करके राजी हो जाती हैं। इस तरह वो गोलमाल अगेन, दे दे प्यार दे और दिदेशम जैसी देवगन की फिल्म्स का हिस्सा बन गई। और मजे की बात ये कि उनमें से किसी में भी तब्बो को मरकजी खातून के तौर पर कास्ट नहीं किया गया। और अब भी वो अजय देवगन पर मबनी एक और फिल्म भोला का हिस्सा है, जो केथी का रीमेक है, जहां वो गैर मुतय्यन किरदार अदा कर रही है। असल में इस फिल्म में कोई अहम खातून किरदार नहीं है, सिवाय एक 10 साल लड़की के, जो हीरो की बेटी है। भोला अजय देवगन की चौथी हिदायतकारी है और ये एक नडर बाप की कहानी है, जो अपनी जवान बेटी तक पहुंचने के लिए तमाम मुश्किलात से लड़ता है। मंशियात के मालिकों, बदउनवान कुव्वतों और मुतद्दद नाकामियां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। टीजर के ड्रॉप होने के फौरन बाद ही मदाहों ने कमेंट सेक्शन में अपने जोश का इजहार किया। एक सारफ ने लिखा कि अजय देवगन फिल्मों का रीमेक कर रहे हैं, लेकिन वो एक शानदार तरीके से कर रहे हैं। जबकि एक और ने तबसरा किया कि ये है 3 नेशनल अवार्ड याफ्ता सुपरस्टार अजय देवगन का एक और ब्लॉकबस्टर। अजय देवगन और तब्बू की अदाकारी वाली भोला 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है। फिल्म को अपने असल बजट की लागत की वसूली के लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करना होगा। भोला भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन ये हैरान कुन ना होगा कि फिल्म इससे भी ज्यादा का बिजनेस कर जाए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।